सहायक आयुक्त आबकारी धार संजीव कुमार दुबे के मार्गदर्शन में धार आबकारी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 24/6/2019 को मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब परिवहन करते वे एक कंटेनर को एबी रोड पुल के नीचे खलगाट धर्मपुरी मार्ग पर नाकाबंदी कर रोका गया, जिसमें लगभग 67 लाख का माल जब्त किया गया। कलेक्टर जिला धार श्रीकांत भनोट के निर्देशन और सहायक आयुक्त आबकारी धार संजीव कुमार दुबे के मार्गदर्शन में मौके से अवैध शराब परिवहन करते हुए एक कंटेनर को एबी रोड पुल के नीचे खलगाट धर्मपुरी मार्ग पर नाकाबंदी कर रोका गया। पंचांग चेक करने पर कंटेनर से 995 पेटी बोतल एवं 190 पेटियाँ पाव कुल 1185 पेटी रॉयल पटियाला विदेशी विस्की शराब जब्त की। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 67 लाख रुपया है। एक आरोपी सिंटू पिता जय किशन निवासी हिसार हरियाणा को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा आरोपी धर्मवीर पिता रघुवीर निवासी हिसार मौके से फरार हो गया। समक्ष पूछने पर आरोपी ने ट्रक लुधियाना पंजाब से लोड कर अलीराजपुर की ओर जाना बताया। आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 34(1), 34(2) प्रकरण कायम कर अनुसंधान में लिया गया। संवाददाता सुनील वास्केले की। बिल्कुल है, रात में पकड़ा गया है और ये ट्रक जो है वो हरियाणा से आ रहा था। ट्रक हरियाणा का है, लुधियाना से पंजाब की शराब लोड हुई है इसमें। रात में मुखबिर की सूचना पर हमने आदि टीम ने इसको पकड़ा है और पत्र स्टेशन चला है कि माल कहाँ कहाँ किसको लिया जाना है। ये पता चला है कि ये माल जो है ये अलीराजपुर के रास्ते कहीं जाना था, इसी की न्यूजिएशन चल रही है। सर कितना माल इसमें? टोटल 1185 पेटी है, 995 पेटी बॉटल्स की हैं और बाकी जो है वो पाउच। सर इसलिए किसी को गिरफ्तारी वगैरह? एक आदमी गिरफ्तार हो गया है, रेस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग लगा रहे हैं कि बहुत गिरफ्तारी हो गई है। कितनी कीमत होगी सर इसकी? जब माल की आई थिंक कीमत सर टोटल कीमत कितनी है? ये 67 लाख 67 लाख जी। क्या कह रहे हैं? प्रस्तावित कोई कार्रवाई नहीं थी, विजय द रूल जो नियम में है उसकी गिरफ्तारी होकर जेल जाएगा, बाकी न्यूसिएशन करेंगे और जो लोग इस रैकेट से जुड़े उनको